बिसम अल्लाम आर्टिकल थ्री पॉइंट वन विच इज अबाउट इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड हेरबर स्पेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज डिफाइंड एज लाइक एन इनर प्रोडक्ट ऑन अ वेक्टर स्पेस एक्स इज़ अ मैपिंग एक्स क्रॉस एक्स टू एक्स सो हेयर एक्स इज़ बेसिकली य फील्ड ऑफ स्के स्केलर ऑफ वैक्टर स्पेस ऑन एक्स ठीक है um, ये भी हमारे पास कोई भी स्केलर है स्केलर वैक्टर स्पेस है ठीक है और विद एवरी वैक्टर एक्स एंड वाई देयर एसोसिएटेड स्केलर विच इज़ डिनोटेड बाई दिस इनर प्रोडक्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं और अगर ये हमारे पास ये फोल्विंग फोर प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है एक्स विद दिस मैपिंग इज एन इनर प्रोडक्ट ठीक है इनर प्रोडक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में आई पी लिखते हैं ठीक है और वो फोर प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या हैं फर्स्ट वन इज़ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई कोमा जी इज इक्वल टू हम x को एक दफ़ा z के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा वाई y, y के साथ वाई जी लिखेंगे और दरमियान में प्लस आएगा ठीक है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ दैट कि अल्फा एक्स कोमा वाई इज़ इक्वल टू जो अगर हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट uh, हमारे पास फैक्टर uh, के साथ अगर हमारे पास आ रहा होगा uh, कोई भी स्केलर तो वो हमारे पास बाहर आ जाएगा अल्फ़ा लेकिन अगर हमारे पास सेकेंड फैक्ट्री के साथ अगर हमारे पास आ रहा होगा कोई सा भी स्केलर तो वो हमारे पास उसके कॉन्जुगेट में आएगा ठीक है तो मतलब मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ अगर ये एक्स कोमा बीटा वाई अगर ऐसे आ रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे बीटा कॉन्जुगेट इन अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई राइट right? अब थर्ड प्रॉपर्टी इज़ के इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल होते हैं कॉन्जुगेट ऑफ वाई एक्स के इक्वल होते है और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है कि अगर हमारे पास ये दोनों सेम हो तो ये हमारे पास इन इन दोनों इनका इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और ये हमारे पास इक्वल टू सेम थिंग ये हमारे पास जीरो कब होगी ये हमारे पास जीरो उसी कंडीशन में होगी इफ़ एंड ओनली इफ दिस

मीन्स के कि हिलबर्ट स्पेस इज सेट टू बी अ कम्प्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस ठीक है विच सेटिसफाई दीज फोर प्रॉपर्टीज एज वेल एज कम विच सेटिसफाई द कम्प्लीटनेस ठीक है कम्प्लीटनेस क्या होती है कि उसके अंदर कोई सी कोशिश सीखी लेती है अगर वो कन्वर्स करती है उस स्पेस को तो हम कहते हैं कंप्लीटनेस होता है तो अगर हमारे पे जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो अगर कंप्लीट है अगर कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसको हम स्पेस बोलेंगे फर्दर देर इज़ अ रिमार्क कि अगर हम ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ठीक है ये बेसिकली आई पी वन का क्या मतलब है कि इनर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी ठीक है तो अभी हमारे पास अगर इन दो प्रॉपर्टीज़ को अगर हम कंबाइन करते हैं सो वी कैन राइट इट एज लाइक दिस इफ़ यू कम्बाइन दीज टू प्रॉपर्टीज़ इनर प्रोडक्ट ऑफ एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा जी और ये फर्दर हमारे पास किसके इक्वल होगा ये होगा एल्फा एक्स सी एक्स को एक दफ़ा जी के साथ लिखेंगे वाई को एक दफ़ा जी के तक लिखेंगे उनके जो स्केलर होंगे वो हमारे पास बाहर आ जाएंगे ठीक है अल्फ़ा बीटा और इससे फर्स्ट वन से हमारे पास ये आ, 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 शो होता है कि फर्स्ट कोर्डीट कोऑर्डिनेट से ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कोऑर्डीनेट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है वो लीनियर है ठीक है आई पी इज़ लीनियर अब अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें ठीक है जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्सा एक्सकोमा अल्फा वाई प्लस बीटा जी और अगर हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ कोई भी स्केलर आ रहा होता है तो वो जो स्केलर होता है वो कॉन्जुगेट के साथ बाहर आता है ठीक है तो वो यहां पर प्रूव हुआ, हुआ है यहां पर यह लिखा हुआ है तो अब इससे क्या हमारे पास शोर है इससे ही हमारे पास शोर है कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कोऑर्डिनेट बेसिकली द आई पी इज सेमिलियर राइट सेमी लीनियर को हम कॉन्जुगेट भी बोलेंगे कॉन्जुगेट लीनियर भी कह सकते हैं ठीक है सो so, जो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट की अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है वो हमारे पास लीनियर है ठीक है और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है वो हमारे पास कॉन्जुगेट लीनियर या सेमी लीनियर है ठीक है so, सो अगर हम इसका समअप करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है इज सेट टू बी से लीनियर फोम या फिर सेसकी लीनियर फंक्शनल ठीक है तो ये आप एज अ रिमार्क इसको याद रख सकते हैं नाउ देयर इज अ रिजर्व विच दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म स्पेस ठीक है को, uh, कह रहे हैं कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास नॉर्म स्पेस होगी ठीक है बट रिमेंबर uh, कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है ठीक है तो अब हम यहाँ पे हम इसको प्रूव भी करेंगे कि हाउ हाउ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू ठीक है तो इसका प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम लोग एक नॉम डिफाइन करते हैं अब हमने एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लेनी है उसको हम लोगों ने नॉम स्पेस प्रूव करना है और नॉम स्पेस को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती थी ना कि एक उसकी नॉन नेगेटिविटी अगर हम शो करवा देते थे या फिर उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी थी और फिर एट um, लास्ट हमारे पास ट्राइंगर इनक्वालिटी होती थी ठीक है तो अगर हम वो प्रूव वो शो करवा दें तो हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो प्रूव हो जाएगा कि वो नॉम स्पेस है राइट right? तो अब हम लेट कर लेते हैं कि पर स्पेस हमारे पास एक्स में एक्स में हमारे पास एक नोम डिफाइन है विच इज डिफाइंड एज लाइक दिस कि नोम ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स uh, प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा एक्स ठीक है इसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं वन बाई टू ठीक ओके पावर इसकी वन बाई टू है बेसिकली ओके okay, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लियरली आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो नोमोफ एक्स होगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ठीक है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी विल होल्ड सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोई सा भी हम लोग स्केलर uh, चूज़ करते हैं लेट्स से एल्फा ठीक है तो अब हमने ये बेसिकली ये प्रूव करना है कि नोम ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एल्फा और ऑफ एक्स ठीक है हमने ये चूज़ करना है अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेट करते हैं कि नोम ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहाँ पर जब एक्स था तो यहाँ पर दोनों दोनों एक्स था दोनों इनर प्रोडक्ट में दोनों हमारे पास एक्स थे ठीक है दोनों कोर्डिनेट्स में अब यहाँ पर अगर हमारे पास एल्फा एक्स आ रहा है तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट में दोनों को आर्डिनेट्स एल्फा एक्स के आएँगे ठीक हो गया तो ये हमने डेफिनेशन अप्लाई किया अब मैं फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाला जो स्केलर है उसको बाहर ले लूँ बाहर ले जाए ठीक है और फिर उसके बाद जो सेकेंड वाला स्केलर है नेक्स्ट स्टेप में उसको जब आप लेके जाएंगे अगर सेकंड कोऑर्डिनेट का अगर हम स्केलर को बाहर लेते हैं तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट के साथ आता है ठीक है और फिर यहाँ पे डेफिनेशन ये हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होता है इट इज़ नॉन बट एल्फ़ा अल्फा मोड स्केर ठीक हो गया तो वो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया मोड ऑफ अल्फा स्केयर और इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स ठीक है अब यहाँ से ये वाला स्केयर तो हमारे पास के रूट से कैंसिल हो जाएगा ये मोड ऑफ अल्फा हमारे पास बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स और ये बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल है ठीक है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स राइट तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स और ये हमारे पास प्रूव हो गया ठीक है अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो बेसिकली ट्राइंग ट्राइंगर इनक्वालिटी है सो लेट्स प्रूव ट्राइंगर इन तो uh, वो हमारे पास क्या होती है कि अगर नोम ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू नोम ऑफ एक्स प्लस नोम ऑफ वाई ठीक है तो अब मैं लेफ़्टाइड uh, कंसीडर करती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं कंसीडर करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा बेसिकली आएगा नोम ऑफ एक्स प्लस वाई और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई कोमा इनर प्रोडक्ट कॉमा एक्सप्ल वाई ठीक है और फिर अगर uh, ये आएगा मेरे पास बेसिकली ठीक है अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करती हूँ तो अगर मैं दोनों तरफ स्केर uh, ले लेती हूँ तो ये स्केर रूट कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ये रह जाएगा ठीक है लेफ्ट हैंड साइड पर स्केयर आ गया और यहाँ पर मेरे पास सिंपल इन इनोपोडेट एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई ठीक है सिंपली अब डेफिनेशन अप्लाई करनी है आपने ठीक है एक्स को एक दफ़ा आपने एक्स uh, के साथ लिखना है फिर आपने एक्स को एक दफ़ा वाई के साथ लिखना है फिर वाई को एक दफ़ा एक्स के साथ और वाई को फिर वाई के साथ और दरमियान में प्लस आता रहेगा ठीक है तो सिंपल वो किया और फिर अब यहाँ पर सब कुछ सेम एज इट इज़ आ जाएगा इस थर्ड uh, स्टेप में भी बस यहाँ पर क्या होगा कि जो वाई एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है बेसिकली हम लोग ने उसकी इनर प्रोडक्ट स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी पड़ी थी ना वो हमारे पास क्या होता है जो एक्स कोमा वाई होता है ये हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होते हैं वाई कोमा एक्स कॉन्जुगेट के इनर प्रोडक्ट ऑफ बाई एक्स ठीक है तो वो हमने यहाँ पे डेफिनेशन बाय डेफिनेशन दिस और फिर अब अकॉर्डिंग ये जो नॉम ऑफ एक्स एक्स है ये हमारे पास किसके इक्वल है बेसिकली ये हमारे पास इन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स कोमा एक्स ये हमारे पास किसके इक्वल है ऑफ uh, एक्स के ठीक है और यहाँ अंडर रूट था तो हमने वो स्केयर ले लिया तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा नोमो नोम स्केयर एक्स के इक्वल आ जाएगा और ये वाला जो हमारे पास है ये इट विल बिकम नोम स्केयर वाई ठीक है और ये जो uh, में है ना ये बेसिकली हमारे पास क्या है ये हमारे पास आते हैं टू इंटू मोड ऑफ एक्स वाई और यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या करना है बाई यूजिंग कोशिश वार्ज इन इक्वालिटी बाई यूजिंग कोशिश शो आर्ज इन इक्वालिटी द मिडिल टर्म विल बिकम लेस देन इक्वल टू प्लस टू टाइम्स नोमोफ एक्स एंड नोमोफ वाई ओके अब यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला क्लोज हो जाए हो रहा है तो हमारे पास नोमोफ एक्स प्लस वाई नोम स्केयर इज इक्वल टू होल नोमोफ एक्स प्लस नोमोफ वाई ठीक है अगेन आप यहाँ परूट ले लें ले, तो आपके पास क्या आ जाएगा नोमोफ एक्स प्लस वाई वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू बिकॉज हेयर इज़ एन इनक्वालिटी तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा नॉम ऑफ एक्स प्लस नॉम ऑफ वाई ठीक है और यही हमारे पास ट्राइंग ट्राइंगर इन इक्वालिटी है सो अब हमारे पास ये नॉम स्पेसिस की सारी प्रॉपर्टी शो प्रूव हो गई हैं इनो प्रोडक्ट में सो इट मीन्स दैट कि जो हमारा जो क्लेम था कि एवरी इनो प्रोडक्ट स्पेसिज नॉम स्पेस वो प्रूव हो जाता है ओके एंडर थिंग इज टू बी भी इज़ दैट के हमारे पास जो हिलबर्ट स्पेस थी वो बेसिकली क्या थी कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस ठीक है और अगर हमारे पास कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस है हिलबर्ट स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास नॉम स्पेस हो गई है ठीक है जो अभी हमने प्रूव किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हिलबर्ट स्पेस है हमारे पास वो कम्प्लीट नॉम स्पेस भी होगी अगर वो हमारे पास कंप्लीट नॉम स्पेस है तो हम उसको आ, बेनाक स्पेस भी कह सकते हैं सो so, यहाँ से हमारे पास ये भी एक आता है कि जो हिलबर्ट स्पेस है वो बेसिकली कम्प्लीट नॉम स्पेस है और कंप्लीट नॉम स्पेस को हम क्या बोलते हैं कंप्लीट नॉर्म स्पेस को हम क्या बोलते हैं बेनाक स्पेस ओके और अगेन ये बात याद रखिएगा कि जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है कि एवरी नॉर्म स्पेस इज नॉट इन ओपर स्पेस ठीक है इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट